सुल्तान जो चीज दिखानी थी। ओ भाई 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 भाई, ये तो गिरावी देगा पैरों में आके। देखो ये खुल चुका है और ये खेल रहे हैं। अब ये बेटी है, ये पापा है। हाइट पूरे बंदे बराबर हाइट है, आप देख सकते हैं। बात कर सकते हैं। ये देखिए गैलेक्सी। तो भाई डॉग का नाम है सुल्तान और आप देख सकते हैं पट्टे पे भी हमने सुल्तान लिखवा रखा है। ये देखो ओल्ड आइज में है ये। इसी के ऊपर वीडियो होने वाली है तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, आप पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे इस डॉग के बारे में। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और ज़रूर देखें, बहुत प्यारा डॉग है। इसके बारे में जान के आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं वीडियो में आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे नवीन शर्मा व्लॉग्स पे। दोस्तों आज ऐसी ब्रीड आपको दिखाने वाले हैं जो चैनल पे मैंने पहले कभी कवर नहीं करी है और उसके बारे में बताएंगे। मेरे साथ दो भाई हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है राहुल जांगड़ा और ये अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे, काफ़ी पब्लिक इनको जानती है। भाई मैं हूं निक्कू व्लॉग्स और आज गैलेक्सी को मिलवाने लाया था सुल्तान से। अच्छा, वीडियो में देख लेना तुम सब। ये निक्कू व्लॉग्स वही है जो आप कमेंट में मेरे से पूछते हो भाई ये निक्कू व्लॉग्स का डॉग है, एंटर और शेडो, ये भाई वही है। ठीक है, और क्या क्या होने वाला है वीडियो में आगे जाएंगे? भाई वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखना और भाई का चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। शेयर करो वो आपकी मर्जी है, ना करो पर लाइक, लेकिन वीडियो आते रहेंगी भाई, वीडियोस आते रहेंगे, ऐसे ही अपना प्यार देते रहना। और ब्रीड की बात करें तो कौन कौन सी ब्रीड कवर होगी आज की वीडियो? आज में कवर होने वाली है हार्ले क्वीन ग्रेट डेन विद ओल्ड आइज। ऐसा मस्कुलर डॉग आपने पहले शायद नहीं देखा होगा और वो भाई के चैनल पर कवर होगी और उससे हमने एक नई ब्रीड तैयार की है, डोमेस्टिक मैंने उसको नाम दे रखा है। वो बच्ची भी आज हम दिखाने वाले हैं अपने फादर के साथ और साथ में होगा आप सबका चहेता शेडो। निक्कू भाई हैं तो शेडो तो होने बनते ही हैं, कॉमन सी बात है, कमेंट में ही बता देना। तो भाई पूरा वीडियो एंड तक देख लेना, जो लोग चैनल पर नए हो क्या करते हैं भाई? सब्सक्राइब। तो पूरी वीडियो देखो भाई। तो भाई अभी आप देख सकते हैं मेजरमेंट ले रहे हैं कि हाइट कितनी है। हमें अंदाज़ा नहीं है, हमें कोई अंदाज़ा नहीं है, तो हाइट नापने लगे हैं। पंजे पंजे पे लगाओ एक बार, हाँ पंजे के साथ में। इसकी हाइट है भाई शोल्डर पे 32 इंच। 32 इंच आप देख सकते हैं अभी लाइव आप लोगों के आगे नापा है इसको। ये देखो एग्जैक्ट हाइट इसकी, अगर इसको ऐसे खड़ा करते हैं तो कितनी जाने वाली है। ये देखो हाइट पूरे बंदे बराबर हाइट है, आप देख सकते हैं। तो भाई वीडियो को करते हैं शुरू, मेरे साथ राहुल भाई हैं। सर है, सर नमस्कार। सर आपका नाम? बॉबी। बॉबी, बॉबी जी आपका डॉग है? या मेरा डॉग है। ये ब्रीड कौन सी आती है? ये ग्रेडेन है, हार्ले क्वीन है। हार्ले क्वीन, हाँ ग्रेडेन है, बहुत रेयर ब्रीड है हार्ले क्वीन। और सबसे मेन ऑड आइज जो है इसकी, बहुत रेयर मिलती है। हाँ जी, कितने साल का है ये? 2.5 साल का होगा। 2.5 साल का होगा। और कितना प्यार करता है ये भी बताइए आपसे? प्यार तो बच्चों की तरह है, बच्चों के मेरे लिए तो बच्चों की तरह है। अच्छा, बच्चे भी इसको प्यार करते हैं, बच्चों की तरह केयर करता है ये भी। बच्चे आते हैं, समझता है हिंदी वगैरह, उनके हाथ लगा दे तो अच्छा जी, प्रोटेक्टिव है। हाँ प्रोटेक्टिव है। और इसकी अगर डाइट की बात करें, डाइट कैसी रहती है इसकी? डाइट तो देखो आप देख भी सकते हैं इसकी हाइट और ये। हाँ जी, वेट तो इस हिसाब से डाइट तो इसकी बहुत अच्छी है। हाँ जी, और हाईली प्रोटीन डाइट देते हैं इसको। हाँ जी, जैसे सुबह इसको बॉयल्ड एग्स दे रहे हैं। हाँ जी, विद चपातियाँ, मिल्क, फिर पनीर देना। हाँ सूखा इसको, और दिन में इसको एक दूसरा खुराक देते हैं इसको। अच्छा जी, मटन की है वो कच्चा देते हैं इसको जी। और रात को जैसे चिकन है 1.5 किलो बना के उसमें रोटियों के साथ में। ओके ओके। हाँ जी, बाकी बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा बिहेवियर, फ्रेंडली डॉग। आप छोटे बच्चों आप के साथ भी, बिल्कुल छोटे बच्चों के साथ खुद देखो ना, आप पहली बार आप मिल रहे हो। हाँ जी, तो आप कोई पास खड़े हो, किस लिए खड़े हो? फ्रेंडली है, जब भी तो खड़े हो, शांत है बिल्कुल। बाकी इसका वेट कितना रहेगा? वेट मस्ट बी इसका 70 राउंड है। ओके, हाँ मेरे को जहाँ तक लग रहा है भाई 70 से 75 के बीच का है। आप देख सकते हैं मस्कुलर पावरफुल डॉग है ये, और देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। विद ऑड आइज आ रहा है, आप देख सकते हैं इसकी मसल्स भी बहुत अच्छे हैं। और पैरों के पंजे वगैरह की बात करूं तो आप देख सकते हैं भाई। राहुल भाई कुछ कहना चाहेंगे ग्रेट डेन के बारे में?
भाई आप सभी जानते ही हैं ग्रेट डेन के बारे में क्या क्या उसकी खूबियाँ होती है, लेकिन फिर भी मैं एक दो खूबियाँ बता देता हूँ आपको। ग्रेट डेन जो है प्रोटेक्टिव डॉग होता है, एज ए गार्ड डॉग यूज़ करते हैं लोग, और उसके लिए काफ़ी बड़े खुले यार्ड की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप देख सकते हो ये पर्सनल पार्क इस डॉग के लिए है, ये यहाँ पर रहता है, यहाँ पर खेलता है, तो कितना बड़ा स्पेस इसको चाहिए वो आप देख सकते हो। ये हर किसी के लिए नहीं है कि किसी ने अपने अपार्टमेंट में रख लिया, अपने फ्लैट में रख, बट फ्रेंडली डॉग है, बट फ्रेंडली आप रख सकते हो, रख सकते हो। अगर घर के लिए रिकमेंडेशन देते हैं तो 100% आपको बहुत समझदार डॉग है। हिंदी पूरी समझता है, हिंदी समझता है, लेकिन मालिक की ज्यादा समझता है, मालिक की सुनेगा और किसी की नहीं। ओनर के लिए वफादार है बस, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, मतलब मोहल्ले में। गार्ड डॉग किस लिए होते हैं? गार्ड डॉग इसलिए होते हैं ना कि कोई हाथ ना लगा पाए, कोई छू ना पाए, गार्डिंग का मतलब ही होता है। हाँ जी, बाकी कभी किसी पे बाइट करा, अटैक करा? आज तक नहीं करा, आज तक बिल्कुल भी नहीं, आज तक भाई देख लो कभी भी किसी पे बाइट नहीं करा है, कभी किसी पे अटैक नहीं करा। देखने वाला दूर से सोचता होगा कि भाई खतरनाक डॉग है, थोड़ा 33 इंच की हाइट है, 33 इंच पे एट द शोल्डर इसका डॉग है। हाँ जी, मेरा बेटा है आरू। हाय, हेलो बोलिए। हाँ जी, ये इसको बहुत प्यार करता है और ये काफी टेक केयर करता है इसकी, और ये भी इसकी टेक केयर करता है। अच्छा, बहुत प्यार करता है ये देखो। और आज एक मेन रीज़न और था यहाँ पे आने का, बताइए क्या है? मेन रीज़न ये है, मैं खुद की ब्रीड तैयार कर रहा हूँ, तो मैंने जो ब्रीड तैयार की ये उसका फादर है, तो बस ये दिखाना था कि ये किसकी बच्ची है। अच्छा, इसकी क्वालिटी क्या है, जी। तो वो किस अलग ही लेवल की बच्ची बनेगी, रेडी होगी, वो इसको देख के लोग अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे अभी वो छोटी है तो पापा जैसे कुछ फीचर्स हैं उसमें, मतलब समझदारी की बात करें, हाँ बहुत समझदार है। और उसके पंजे भी अभी इसे 4 महीने की हुई है, वो कल की डेट में 25 तारीख को 4 महीने की है, उसके पंजे आप अभी से देख सकते हो एज कम्पेयर टू हर फादर, वो देख सकते हो, वो हम आपको साथ में दिखा भी देंगे एक साथ में, वो आप देख सकते हो। बिल्कुल, लेके आओ साथ। तो अभी इसके बच्चे को लेके आ रहे हैं जिसका नाम गैलेक्सी है, आपने मेरी पहले वीडियो में देखा होगा। तो सर ये कुछ एक्टिविटी वगैरह करता है? ये खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है, जंपिंग करता है, और अच्छा बच्चों के साथ बहुत खेलता है। तो अभी खोलना उचित रहेगा इसे? अभी एक्चुअली क्या है, ग्रास भी नहीं है एक तो। हाँ जी, हाँ जी, हम लोगों को खुद को भी कूदते हुए लगता है। देखिए आप, हाँ जी, अगर पूरी ग्रास होती है फिर चोट भी लग सकती है, इसको चोट और हमारे भी लग जाए। हाँ जी, हाँ जी, ग्रास में तो पागल हो जाता है, प्लेफुल डॉग है। आप पार्क वगैरह में लेकर जा सकते हैं? हाँ जी, लड़का लेके जाता है। हाँ जी, यहाँ डिस्ट्रिक्ट पार्क में 1 घंटे दौड़ाता है। तो आप इसका चेस्ट का साइज़ देखेंगे यहाँ, ये देखो। हाँ जी, नॉर्मली इतने चेस्ट का साइज मिलेगा नहीं आपको, ये दौड़ाने से ही होता है। हाँ जी, खुलती है क्योंकि जितना घुमाएंगे उतना ग्रोथ होता है, मस्कुलर होता है। हाँ जी, हाँ जी, सामने से देखो इस हाथी का। बाकी पावर की बात करें तो पावर में बंदा फेल कर देता है सबको, है पावर। ये अभी आपके सामने आए नहीं, यहाँ खींच रहा था ये तो बहुत ही ज़्यादा समझदार। और आप इधर देख सकते हैं इसका बच्चा आ गया है, इसका नाम गैलेक्सी है, ये पापा जी है इनके। और देखिए आप, देखिए पूरी तरह से पहचान ले। कितना टाइम बाद मिलवा रहे हो भाई? 5 महीने। मतलब कितना टाइम हो गया? फर्स्ट टाइम 5 महीने हो गए। 5 महीने, 4 महीने, 4 महीने बाद अपने पापा से ये मिल रही है। देखो गैलेक्सी, ये देखो भाई गैलेक्सी फिर चल गई। गैलेक्सी आराम से, मैं इसलिए मैं बोल रहा था गैलेक्सी। गैलेक्सी, गैलेक्सी इधर आओ, कम ये गैलेक्सी। अरे दरवाजा बंद है, भाई अभी वो खेलने में लगी, क्योंकि डॉग्स जो होते हैं ना खुले एरिया में कुछ ज़्यादा ही प्लेफुल हो जाते हैं। आप देखिए फुल एक्टिविटी, फुल जोश। ये देखो ये भी कह रहा मेरे को भी खोल दो। बस बेटा, बस बस बस, ये भी कह रहा मेरे को भी खोल दो। सुल्तान, जो चीज़ दिखानी थी। ओ भाई 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 भाई, ये तो गिरा भी देगा पैरों में आके। ये देखो ये खुल चुका है और ये खेल रहे हैं अब। ये बेटी है, ये पापा है। ये देखो जैसे ही मालिक ने कमांड दी सुल्तान हो गया अपना स्टॉप। ये देखो आवाज सुन सकते हैं, ये देखिए सुल्तान। तो भाई आप देख सकते हैं शैडो आ चुका है हमारे बीच में, और शैडो के आते ही सुल्तान भी थोड़ा सा देख सकते हैं आप ओडाइज में। ये भी हमारे पास, और ये भाई हमारा पिटबुल में भी ओडाइज में आप देख सकते हैं। तो राहुल भाई एक क्वेश्चन और है भाई मेरा, अगर किसी ने बच्चा लेना है
अपने घर के लिए, तो कितने की कॉस्ट होगी इसकी? भैया आप अपने घर के लिए ख़रीद सकते हो, क्या है क्वालिटी के अकॉर्डिंग वेरीज करती है प्राइस हमेशा। हाँ जी, तो ये जो है इसका फादर इम्पोर्ट है। ओके, ये इम्पोर्ट का बच्चा है तो इस वजह से इसकी प्राइसिंग बहुत हाई है। ओके, ये 1 लाख के अराउंड बोबी जी को पड़ा था। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्ट का सन है। ओके, लेकिन आप वैसे ले सकते हो क्योंकि हर डॉग तो इम्पोर्ट नहीं होता। हाँ, हर डॉग इम्पोर्ट का बच्चा नहीं होता। तो वैसे मार्केट में आपको 25,000 से 35,000 से स्टार्टिंग मेरे हिसाब से हो जाती, मिल जाता है। उसके ऊपर आपकी चॉइस है आप कहाँ तक जाते हो। अगर आप अपने घर के लिए रखना चाहते हो, क्योंकि इसकी क्वालिटी जितनी है। हाँ जी हाँ जी, कोई ना कोई लेना जरूर चाहेगा। हाँ, जिसका शौक होता है, क्योंकि शौक बड़ी चीज है। शौक बड़ी चीज है, शौक में पैसा नहीं देखा जाता। शौक में पैसा नहीं देखा जाता, पैसा नहीं देखा जाता। ये देखिए ना आप कितना ज्यादा खूबसूरत हाइट देख सकते हो ना, ये देखो ये कहाँ तक आ रहा है। और हेड की बात करो तो हेड और ऊंचा है, ठीक है। पर ये शोल्डर पर खड़ा हो गया तो आपसे भी ऊपर। हाँ, मेरे से भी ऊंचा जाएगा ये अगर ये खड़ा हो गया। मैं भी भाई अपने कपड़े गंदे नहीं कराना चाहता नहीं तो मैं आपको दिखा देता। तो वीडियो को कर रहे हैं यही खत्म। प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और मेरे को जरूर बताना आपको ये ब्रीड कैसी लगी, हमारी सुल्तान और ये हमारी गैलेक्सी और हमारा शैडो। प्लीज अगली वीडियो में मिलते हैं।